दोस्तों, जब भी इंटरनेट की बात होती है, इंटरनेट वेबसाइट्स की बात होती है, कंप्यूटर की बात होती है, मोबाइल्स की बात होती है, आपने कहीं ना कहीं ये शब्द ज़रूर सुना होगा जिसे कहते हैं कुकीज़। क्या होता है ये कुकीज़? क्या ये हमारे काम की चीज़ होती है? क्या हमें इसके फ़ायदे होते हैं? क्या ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है? इस सब के बारे में हम आज आपको बताने जाएंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप लोग स्कूल कॉलेजेस में कंप्यूटर विषय को पढ़ते होंगे, आप लोगों को कुकीज़ के बारे में पढ़ाया गया होगा। कुकीज़ के बारे में बहुत से लोग जो आज मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, वो नहीं जानते हैं कुकीज़ क्या होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कुकीज़ की पूरी जानकारी देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पूरा पसंद आएगा। चलिए शुरू करें। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनलॉक टेक, जहां मैं हर दिन मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कई सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल बटन को प्रेस कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आज का हमारा टाइटल है कुकीज़। हम चलेंगे हमारे इंटरनेट ब्राउज़र्स पर। यहाँ गूगल क्रोम दे रखा है, हम क्रोम पर आएंगे। क्रोम पर आने के बाद जो है, हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमारे इस डिवाइस में कितनी कुकीज़ यहाँ पर जो है इनेबल हैं। हम प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद हमें क्लियर ब्राउजिंग डेटा पर जाना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुकीज़ एंड साइट डेटा लिखा हुआ है। 1221 साइट्स जो हैं यहाँ पर कुकी इनेबल्ड हैं। इतनी साइट्स की कुकी हमने एक्सेप्ट की हैं। ये कुकीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। इससे पहले हम पीछे चलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है साइट सेटिंग्स। ये देखिए, ये लिखा हुआ है साइट सेटिंग्स। हमें साइट सेटिंग्स पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे, कुकीज़ का ऑप्शन सबसे पहले आ रहा है। ये हमारी वेबसाइट्स की सेटिंग्स होती हैं, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन, मोशन सेंसर्स, नोटिफिकेशन, जावास्क्रिप्ट, पॉपअप्स, एड्स, बैकग्राउंड। ये जो गूगल क्रोम का पूरा सेटअप है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा और आपको बताऊँगा कि गूगल क्रोम को किस तरीके से सही बेहतर तरीके से चलाया जाता है। अभी हम कुकीज़ पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। ऊपर आप पढ़िए, लिखा हुआ है, कुकीज़ आर फाइल्स क्रिएटेड बाय वेबसाइट्स यू विजिट, साइट्स यूज देम टू रिमेंबर योर प्रेफरेंसेस, थर्ड पार्टी कुकीज़ आर क्रिएटेड बाय अदर साइट्स, दीज साइट्स ओन सम ऑफ द कंटेंट लाइक एड्स और इमेजेस दैट यू सी ऑन द वेब पेजेस यू विजिट। देखिए, जो नॉर्मल कुकीज़ होती हैं, हर वेबसाइट की कुकीज़ होती हैं, कुकीज़ एक्चुअल में होता क्या है, कुकीज़ आप जितनी देर किस वेबसाइट पर कितनी देर रहे, कितनी देर एक्टिव रहे, क्या क्या आपने वहाँ पर सर्च किया, आपने क्या क्या वहाँ पर देखा, इन सभी को जो है कुकी आपके सेशन लॉगिन रहने तक सारे डेटा को स्टोर कर लेती है। उससे पहले जब आप वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको कुकी का मैसेज आता है। आप जब कुकीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, तो वो आगे फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए आप लोगों के डेटा को वहाँ पर स्टोर कर लेती है। ये सिंपल कुकीज़ होती हैं, क्योंकि हम वेबसाइट्स पर बार बार आते जाते रहते हैं, आपके आईडी पासवर्ड आप लॉगिन करते हैं, तो ये उसको भी वहाँ पर सेव कर लेती है। ये जो कुकीज़ होती हैं दोस्तों, इन कुकीज़ से हमें बिल्कुल ख़तरा नहीं है, क्योंकि वो ट्रस्टेड वेबसाइट्स होती हैं और उन वेबसाइट्स का हम यूज़ अक्सर करते ही हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़। जी हाँ दोस्तों, ये कुकीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये कुकीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा हमें ख़तरा है इनसे। ख़तरा किस तरीके से है, आप लोगों ने इंटरनेट चलाते टाइम देखा होगा, जब भी आप मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं या कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर चलाते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ अनवांटेड एड्स जो है वहाँ पर आते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट ब्रेक्स, आप इमेजेस देखते होंगे। ये कुकीज़ जो हैं थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं, और जब भी आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं या आप इनको जो है ओके पर क्लिक कर देते हैं, तो ये कुकीज़ जो है इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं कि ये आपके डिवाइस को, जिस डिवाइस में आप इंटरनेट चला रहे हैं, उस पूरे डिवाइस को ये जो है वहाँ से हैक कर सकते हैं। मतलब ये वहाँ से जो है सारा डाटा वहाँ से निकाल सकते हैं। आप किस किस वेबसाइट पर जा रहे हैं, क्या लॉगिन कर रहे हैं, क्या आईडी पासवर्ड्स हैं आपके, क्या आपने वहाँ पर ब्राउज़ किया, ये सभी जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जो कुकीज़ होती हैं, उनको वहाँ से इनेबल करके आपके सारे डेटा को और आप क्या क्या काम कर रहे हैं, इन सभी का डेटा का मिसयूज़ भी कर सकती हैं। जितने भी ये जो है थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं,
और ब्राउजिंग के टाइम ये आती हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कुछ ऐसे अजीबोगरीब एड्स आते हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते, और जब कभी उन पर गलती से क्लिक हो जाता है या कुकीज़ उसकी ओके या इनेबल हो जाती हैं तो हमें ये खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए हमें करना क्या है, ये पेज आप देख रहे हैं, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। साइट सेटिंग में आप कुकीज़ पर जाएंगे, कुकीज़ पर जाने के बाद हमें जो करना है, हमें करना है यहाँ पे ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ पर क्लिक कर देना है। अलाउ कुकीज़ अगर आप कर देंगे तो ये सारे साइट्स की कुकीज़ को नॉर्मल ले लेगा। आप ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इन इनकॉग्नाइट मोड कर देंगे, इनकॉग्नाइट मोड के बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, हमें बताया नहीं गया है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा ताकि आप लोग इसके बारे में भी जान सकें। हमें करके रखना है ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़। इससे क्या होगा, जो थर्ड पार्टी कुकीज़ आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के दौरान आएंगी, आप उन्हें जो है वहीं पे ब्लॉक कर देंगे और आपकी इंटरनेट जो है बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा और आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का खतरा नहीं होगा। नीचे है ब्लॉक ऑल कुकीज़ नॉट रिकमेंडेड। अगर आपने कोई रिकमेंडेड नहीं कर रखी है तो आप सारी कुकीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। सारी कुकीज़ को ब्लॉक करने से दोस्तों थोड़ा घाटा यह है, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो प्रेफरेंसेस के लिए, आईडी पासवर्ड्स के लिए आपका डाटा वहाँ पर बिल्कुल स्टोर नहीं हो पाएगा और आपको बार बार जो है फिर से वो पूरी मेहनत करनी होगी। नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, लिखा हुआ है ऐड साइट एक्सेप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो एक्सेप्शन वाली साइट्स हैं, अगर आप इनको यहाँ पर दे देते हैं तो इन साइट्स की जो है कुकीज़ को आप स्पेसिफिकली अलाउ करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट या यूट्यूब, आप इन तरीके की जो वेबसाइट्स हैं इनका आप चाहते हैं कि कुकीज़ अलाउ हो, तो आप यहाँ पर वेबसाइट का नाम लिख के उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुकीज़ से संबंधित आज का वीडियो, आज की जानकारी, कुकीज़ हमें कहाँ कहाँ फ़ायदेमंद हैं, कहाँ कहाँ वो अच्छी हैं, कहाँ कहाँ किस किस एप्लीकेशन में वो हमारे लिए ख़तरनाक हैं। मैं आशा करता हूँ कुकीज़ से संबंधित जानकारी आज आपको यहाँ से मिल गई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को, जो लोग बिल्कुल जानते नहीं हैं कुकीज़ के बारे में, उनको भी जो है कुकीज़ के बारे में पता चले। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।